खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ के पीलीभीमा कस्बे में विभिन्न सामाजिक संगठनों के आह्वान पर SC/ST कानून में संशोधन करने की मांग को लेकर पीलीभीमा कस्बा बंद रहा। कस्बे के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए पीलीभीमा SDM कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन SDM को सौंपा गया। सवर्ण व OBC प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में जुलूस के रूप में एकत्रित होकर SDM कार्यालय में SC/ST कानून में संशोधन करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संशोधित SC/ST कानून को लागू किया जाए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन किया जावे, संसद में बिना जांच के SC/ST कानून में संशोधन कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी का कानून बनाया है जो कि वापस लिया जाए। समाजसेवी विनीत कटारिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने सवर्ण एवं OBC वर्ग की उपेक्षा की है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में राज्य सरकार व केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक सूत्री हमारी मांग है कि ये जो काले कानून को सरकार लेकर आई है SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल को खत्म करने का, सरकार इस कानून को वापस ले। हम नहीं चाहते कि कोई भी सवर्ण भाई, कोई भी OBC भाई इस काले कानून का शिकार हो। हम चाहते हैं कि सरकार ये कानून लेके आए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपके सामने, आपको ध्यान होगा कि एक आदेश दिया था जिसमें स्पष्ट था कि जमानत मिल सकती है, अगर किसी पर SC/ST एक्ट का मुकदमा होता है तो जमानत मिल सकती है। हम चाहते हैं कि बिना जांच के 6 महीने तक अगले को गिरफ्तार करके रखा जाए, ये कानून खत्म हो। हम चाहते हैं कि पहले जांच हो, जांच में अगर हम दोषी पाए जाए तो हम पर मुकदमा हो, और जांच भी कम से कम SP स्तर की होनी चाहिए। उससे अगली बात है, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सरकार से सीधी स्पष्ट एक ही मांग है कि स्वर्ण और OBC भाइयों पर अत्याचार करने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो SC/ST कानून सरकार ने पास किया है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए, उस कानून को वापिस ले, अन्यथा आने वाले चुनावों में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।